नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल स्लो चलता है, हैंग करता है, तो आप उसे कैसे ठीक कर पाएंगे बिना फ्लैश किए। दोस्तों तो बिना सॉफ्टवेयर लगाए मोबाइल को आप सॉल्व कर पाएंगे हैंगिंग प्रॉब्लम को। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, अगर आपकी मोबाइल की रैम जैसी है उसी हिसाब से आप उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। अगर आपकी मोबाइल की रैम 1 GB है तो आप उसमें थोड़ा कम एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। ज़रूरत जिनकी है ज़्यादा उन्हीं को इंस्टॉल करें, और फालतू के एप्लीकेशन गेमिंग वगैरह मत डालें, नहीं तो आपका मोबाइल हैंग करेगा। और दूसरा स्टेप ये है दोस्तों कि आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाएंगे। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका IMEI का मोबाइल है तो उसमें आपको IMEI का एक फ्यूचर मिलेगा, IMEI वर्जन। और आपका अगर किसी अदर कंपनी का फ़ोन है तो उसमें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वो एंड्रॉयड वर्जन करके, उसमें कुछ एक ऑप्शन मिलेगा आपको। तो आप उस पर 3 बार टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑप्शन जो मेरे में लिख के आ रहा था ये आपके फ़ोन में लिख कर नहीं आएगा, क्योंकि आप उस पर पहली बार करेंगे। तो यहाँ पर 3 बार टैप करने के बाद में आपका एक नया ऑप्शन, नई सेटिंग ओपन होगी जो होगी डेवलपर। तो उसके बाद है आपको एडिशनल सेटिंग में आना है, और उसके बाद नीचे आएंगे तो डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा एक। इस पर क्लिक करेंगे और उसे स्क्रॉल अप करके यहाँ पे आपको देना है ये। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन स्केल और एनिमेटर स्केल। ये 3 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर 3 ऑप्शन में आपको जो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है 0.5x और आपके फ़ोन में सिलेक्ट होगा ये वाला एनिमेशन स्केल 1.5x। तो यहाँ पर आपको 0.5x सिलेक्ट करना है दोस्तों। तो इसमें जैसे कि मैंने सेट करके रखा है, इसी तरीके से आपको दूसरे में भी यही सेट करना है, और ठीक तीसरे में भी यही सेट करना है। और उसके बाद आपको फिर से स्क्रॉल करना है और नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, वो ये ऑप्शन होगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड लिमिट, जैसे कि अभी मेरे में एक्टिवेट है, तो यहाँ पर आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस करनी है और उसके बाद बैक कर देना है, तो आपका मोबाइल फास्ट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर आपका, मैं दोबारा से बोलना चाहता हूँ, अगर आपका किसी अदर कंपनी का मोबाइल है, IMEI का मोबाइल नहीं है, तो आपको स्टोरेज का ऑप्शन ऊपर ही मिल जाएगा सेटिंग में। अगर आपका IMEI का मोबाइल है तो आप अबाउट फ़ोन में आएंगे और उसके बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का, और स्टोरेज में जाएंगे। स्टोरेज में जाने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैश डाटा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा कैश डाटा। तो कैश डाटा पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे ओके कर देंगे तो जो इसकी कैश डाटा है वो क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद में इस मोबाइल की स्पीड दोगुनी हो जाएगी। अभी आपको एक सेटिंग और करनी है दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, पूरी जो भी स्टेप है वो फॉलो करें और आपका मोबाइल रॉकेट की तरह चलेगा, 100% चलेगा, ये मेरा दावा है दोस्तों। फिर बैक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्शन इज शेयरिंग IMEI के फ़ोन में। यहाँ पर जाने के बाद में इसमें, तो इसमें जाएंगे और इसमें जाने के बाद में आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा रिसेट वाईफाई मोबाइल इज ब्लूटूथ। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिसेट सेटिंग। तो रिसेट सेटिंग में आएंगे और यहाँ से यहाँ पर आपको जो आपका पासवर्ड होगा वो मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल दें और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रिसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग नाउ दिस माय टेक्स्ट सर्वर सेकंड यू वांट बी एबल टू अंडो दिस एक्शन। तो दोस्तों इसको आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जो ये रिसेट सेटिंग का ऑप्शन है ये निगेटिव हो चुका है
और जो उसकी जितनी इसने डाटा को यूज किया है और डाटा के जो भी कैच वैच वगैरह होंगी वो सारी यहाँ से सेटिंग को ये रिसेट कर देगा। और रिसेट करने के बाद में आपके जो फ़ोन में स्पीड इंटरनेट की होगी वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपका फ़ोन जो है वो भी काफ़ी फास्ट चलेगा। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जो मेरा चैनल है इस चैनल पर मोबाइल रिपेयरिंग और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और क्रैक टूल जैसे कि मिराकल बॉक्स, UMT डोंगल, MRT डोंगल, जितने भी ये डोंगल आते हैं इन सभी के क्रैक टूल हमारे चैनल पर अपलोड किए जाते हैं जिससे आप मोबाइल अनलॉक कर सकते हैं, मोबाइल की FRP निकाल सकते हैं, मोबाइल फ्लैश कर सकते हैं, मोबाइल का पासवर्ड रीड एंड राइट कर सकते हैं, IMEI रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद जो घंटी का आइकन आएगा उसे भी दबाओ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि जो मैंने ट्रिक बताई है वो ट्रिक आपने की है और आपके मोबाइल की जो स्पीड है उसमें क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। अगर आपके मोबाइल की जो स्पीड है वो अगर इंक्रीज नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं और अपने मोबाइल का मॉडल नंबर और कंपनी का नाम लिख के मुझे कमेंट करें और बताएं कि इस मोबाइल की स्पीड इंक्रीज नहीं हुई है, ये अभी भी हैंग करता है। तो मैं आप लोगों को एक और अच्छी टिप्स बताऊंगा, वो कंपनी टू कंपनी होती है। जैसे कि MI का मोबाइल हुआ तो उसमें कुछ अलग सेटिंग करनी होती, और ओप्पो का हुआ तो उसमें कुछ अलग करनी पड़ेंगी। तो ठीक इसी तरह से मैं आपको बता दूंगा और आप उन स्टेपों को उसमें भी फॉलो कर लेंगे तो आपका वो भी मोबाइल एकदम रॉकेट की तरह फास्ट चलेगा दोस्तों। ये मेरा दावा है, 100% चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।